तू पंजाब नाल खड़ा है, पंजाब दे हक दे सवाल करदा है। जिद्दण आपकी घरवाली का आपका कोई सवाल, मेरा कोई रेते की खड चलती हो, मेरा कोई बिजनेस होवे, उस दिन राजनीति दोस्ती बाधे तू जदों तुहानू अहुदा दिता जांदा है पंजाब तो दूर करन लई ते की चुनोगे? बीजेपी ने लिया के राज्यसभा देती और की क्या याद है बादलों की कंपेन कर दे ते या पंजाब तो दूर रह। दसो मैडम की करता, बोलो ना, फिर ओला किथे है? मैं तुहानू कहना अज चैलेंज करके ओके कहना, हिंदुस्तान की हिस्ट्री च एक बंदा दसो जिन्हें 6 साल की राज्यसभा चली होवे। जदों बादल साहब गए सी भेटू लिया, कह जा कर्म किया देखा 21 लाख भरे भेटूआ की बिल्डिंग, तो जो कैप्टन साहब गए थे सुल्तान घोड़ा लिया तो उन्हें चढ़ा के लिया जी, मैं दसना। मेरा सवाल यह है कि जो कैप्टन साहब के समय च ड्रग के मुद्दे की गल करते हैं, बेजती की गल करते हैं, या बिजली समझौते रद्द करने की गल करते हैं, तो उदो सुखजिंदर सिंह रंधावा तृप्त बाजवा सुख सरकार या पंजाब फर्स्ट विधायक जोड़े सी तुहाडी सोच सोच लगे हूँ चन्नी साहब की सरकार आ रही है हूँ जो तुम गल करते हैं, फिर लगता यह है कि तुम कांग्रेस में अलग अलग हो गए, साढ़े ना कोई खड़िया नहीं हो सकता। वो उल्टा ये कह रहे हैं कि नवजोत सिद्धू की आदत है, भावें वह बीजेपी से भावें अकाली दल बीजेपी से भावें कांग्रेस से, उन्हें नुकताचीनी करनी है। मान एक मोहाली की वीडियो का रेफरेंस दे के कहते हैं कि नवजोत सिद्धू के मुख्यमंत्री बनना चाहता जिसे करके एक किसी को भी हजम नहीं करता। जे यही गल है फिर पार्टी प्रधान तो अस्तीफा क्यों दूगा? फिर पार्टी प्रधान तो अस्तीफा क्यों दूगा? फिर तो रेंदे ही कख नहीं। यही है ना भाई, जेडे मुद्दे ते मैं गल करदा कोई किंतु कर दे मेरे ने, मेरा च की स्वार्थ है, मैनू इहदे चों की मिलना है, मैं इहदे चों कहड़ी खट्टी खानी है? सिद्धू पंजाब नाल खड़ा है, पंजाब दे हक दे सवाल करदा। जिद्दण आपकी घरवाली का आपका कोई स्वार्थ, मेरा कोई रेते की खड चलती हो, मेरा कोई बिजनेस हो, उस दिन राजनीति तो अस्तीफा दे दूँ। मेरा मुंडा चलिया गया सी, पापा दे रिक्यूजिंग यू ऑफ नेपोटिज्म, घरवाली ने छड्डिया। जिद्दण सिद्धू दे कोल कोई स्वार्थ की चीज़ पल्यों 10 करोड़ 5 अस्तीफे ते अस्तीफे किहदे लई? पंजाब लई। आ गया नेक्स्ट अगे जी बारी बारी ब्रदर मनीष। नहीं नहीं ब्रदर, हाँ जी, नहीं नहीं बोलो बोलो बिल्कुल। छोटे भाई बाट साहब ठीक ने, बाट साहब ठीक ने, सांधे आलिया साहब ठीक ने, मैं देखता हूं ना मैं क्या जिंदे मर्जी तीर वर्गे तिखे बिलकुल सारा कुछ उत्तर दो। सब तो पहला तो 4.5 साल बितरा, पहली कैबिनेट तो लड़ाई, किसी के पापा के नाल कोई भागीदार नहीं,
कुर्सियां दे नाल नहीं जुड़िया सिद्धू ते बाकी दस दे किहड़ा सी जिन्हें कुर्सी छड़ी इधरों है इधरों सिद्धू उदों भी पापां दा भागीदार नहीं सी सिद्धू ने उदों भी कोई समझौता नहीं किया ला दस मैनू पहले साढ़े चार साल दे विच शराब नीति की किने गल की पहला नंबर दो रेत नीति की हज़ार रुपये ट्राली फिक्स करो किने गल की दो केबल दे लई कानून कौन लैके आया जिहड़ा प्रेजिडेंट को भेजन फिरदे सी कि जी सज़ा ज़्यादा है सज़ा घटा दी फिर वो LR दे धक्के खांदा फिरदा रहा बसां बारे कौन एजेंडा लैके आया सी किने कहा सी इलैक्शन रैलियां च खड़ के भी दो बसा तो तेरिया साढ़े 3000 बसा किदां हो गईआं आ तेरा किस तरह होया लखी टाइम टेबल क्यों बनाउंदा ये किने कढ़िया किने जमीना दी गल करदे होए जमीना नूं हैड करके वो दिते किसी ने मन्ने ठंडे बस्ते पाते चीफ मिनिस्टर कोल एब्सोल्यूट सेंट्रलाइज्ड पावर सी मंत्रालय गुलाम बनाते और अफसरशाही कुछ नहीं होंदी अफसरां नूं यूज किया जाता उन्हों का कोई कसूर नहीं है उन्होंने यूज किया जाता फलाने नूं ठोक दो ते फलाने का काम कर दो क्यों क्योंकि गोडियां थलों कढ़ने सिस्टम ने फिर जो सारा कुछ चलता सी ते एक्शन क्यों ना लिया सिद्धू तो उदों भी बोलता सी सिद्धू तो छड़ के चलिया गया सिद्धू का महकमा क्यों बदलिया सी ओ भाजी नूं उत्तर दिना क्योंकि बरगाड़ी दे विच खड़ के सिद्धू ने स्टेज के उत्ते कहा सीगा मैं गुरु लई साहिब छड्डन नूं तैयार हाँ बंदे दे पुत बणो करके ही रहे हो उहदी आड़ दे विच लैके मैनूं आंदा महकमा बदल दे महकमा 28 IAS अफसरां दा बोर्ड है PSCR देख लै वह बोर्ड सीधा जवाब दे चीफ मिनिस्टर नूं ते मंत्री ट्रांसफर नहीं कर सकता जा पता कर लो आके उत्थे वाड़ दो सिद्धू नूं फिर सिद्धू दे उत्ते पा दो सारा कुछ ते वह भी छड्डिया ठीक है हुण आके सवाल कौन कर रहा 50 दिन दिते ना अस्तीफा किने दिता है किसे पाप का भागीदार नहीं है नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब दे खिलाफ कोई होवे डट के खड़ा नवजोत सिंह सिद्धू ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇੱਧਰ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਲੈਣੇ ਇੱਧਰ ਦਿਓ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੌਣ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਨੇ ਇੱਧਰ ਮੈਡਮ ਆ ਬੋਲੀ ਠਹਿਰ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਮੈਡਮ ਬੋਲੋ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਏ ਲੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਨੇ ਭਾਜੀ ਮੈਡਮ ਬੋਲੋ ਬਿੰਦੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਯਾਰ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਸਵਾਲ ਰਹੋ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਸਮਾਂ ਬਿੰਦੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕੋਲੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਵਾਂਗੇ 4 ਵਾਰ ਦਾ MP ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਰੜਿਆ ਮੈਡਮ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਕੀ ਚੁਣੋਗੇ BJP ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇਤੀ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਦੱਸੋ ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੋਲੋ ਨਾ ਫਿਰ ਅਹੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦੱਸੋ ਨਾ ਅਹੁਦਾ ਉਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਰ ਲਿਆ ਐਕਸੈਪਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੂਸਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾਇਆ ਸਿੱਧੂ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ
तीन इलेक्शन जितया की कहा उन्होंने जा भाई कुरुक्षेत्रों लड़ क्यों गया लड़ लेंदा उतों फिर छड़ना पिया उहदा ना एम पी लड़िया उहदी वेव च आई एंड बी मिनिस्टर बनाउंदा सी मैडम क्यों छड़िया जे है माई दे लालच किसे च दम ते दसे कहण वाले बड़े ने कुर्सी 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 दसो ना सरपंची छड़िए कहने एक बंदा दसो मैडम मैं तुहानू कहना अज चैलेंज करके ठोक के कहना हिंदुस्तान की हिस्ट्री च एक बंदा दसो जिन्हें छे साल की राज्यसभा छड़ी होवे किहदे खातर एक मिनट किहदे खातर छड़ी पंजाब खातर छड़ी उन्होंने डाकू गुंडे तस्कर चाहिए सी सिद्धू नूं पंजाब चाहिए सी समझे मैडम उत्थे ही आके फाइनेंस मिनिस्टर होया तीन मंत्री हरे बीजेपी दे अमृतसर दे विच आके 15% वोट कटी ते सिद्धू जितया ना इहदे च हंकार है सिद्धू दा लोकां ने जिताया ये बड़ा होमा हंकार है लोग कहते हैं जी ऐं करता मैं ऐं करता मेरी सरकार सरकार लोगों ने बनानी है मुख्यमंत्री लोगों ने बनाना है लोगों की कदर करो लोगों के चरणों च साफा लाओ नरमे नारायण भाजी भाजी इधर भाजी इधर माइक माइक से गल करो माइक किधर पड़े है माइक चिपड़ साहब एक मिनट जटपुरी साहब इदा सवाल नहीं आने साहब सारे जवाब देंगे जटपुरी साहब इदा नहीं सारे सारे जवाब देंगे लो बंदे सवाल पूछने वाले ज्यादा भाई मैं बैठा इतने जवाब दे के जाएंगे जवाब दूं तुम और ठोक के दूं टका के दूं इधर भी आते तुम्हारे वाले भी आते लो उधर भाई उधर उधर क्यों हाँ जी सी I've been meeting him for a long, long time now. And I've been speaking to him. I've been speaking to him since the last 1 month. The first meeting that took place was in Punjab Bhavan. Remember? At that time, the thing was that the panel will go and in 1 week, things will be settled. 90 din di sarkar hai 50 din te ho gaye do panel ja ke mude aaye I've been talking to him I have no personal things I speak to him for the state I speak to him for all the good that can be done to the state that's all okay this okay sir I have no dwara nahi dwara ek din de paache aa gaya clear dwara nahi I have no differences ek tode wale aa rahe hain ye bilkul tode wale aa rahe hain एक मिनट पाजी एक मिनट जी आई हैव नो डिफरेंस विद चरणजीत चन्नी नॉट एट ऑल वॉट एवर आई डू इज फॉर पंजाब टूडे वॉट आई एम स्पीकिंग इज फॉर पंजाब आई स्टैंड फॉर पंजाब आई स्टैंड विद पंजाब पंजाब इज माई सोल दैट्स द लास्ट गोल ओके मैडम उधर आना पूछो एक मिनट यार बैठ जा उधर भाजपा जी इन्होंने पूछन दो पीछे भाई बहुत सारे लोगों ने इधर एक मिनट बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा है क्या मैंने कहा है जरूरी तो नहीं है कि मैं बोलूं हर चीज मेरा छोटा भाई है कुछ भी कहे लेकिन मैं पंजाब की बात करूंगा अपनी आत्मा की आवाज एक मिनट मैडम 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 तुझे सवाल पूछो आज उधर कर लेंगे आज माइक ले लो माइक बीबी जी मेरी गल सुनो ओ मेरी गल सुनो ना अब एक बार सवाल कर लो बस सवाल कर लो मैं जवाब देना जवाब सुन लो ना जवाब
एक बड़ी स्पष्ट जी गल है कि जो तो दो दिन मिले मैं तारीफ की ना तुम मनिया ना उदू बाद मैं मिले कितने हाँ तो उदू बाद जो मिले तो आही गल आही गल और यही हों कल परसों कल परसों कल परसों आया नहीं तो इतने आ गया ना वा फिर अगली जवाब एक मिनट यार एक मिनट चलो पूछो जी हाँ जी बाजवा जी माइक दो वहां माइक एक मिनट चलो पहला सवाल की सी तोड़ा मैं हाँ जी हाँ जी परेशान तुसी शर्मा जी इधर ले आओ मैं तुसी तुसी लॉलीपॉप सोचते हो सिर्फ तुसी लॉलीपॉप ये मानते हो भी साडा चीफ मिनिस्टर दिंदा ये नहीं हो सकता भी मैं ये कह रहा हूं वहां कि 26 लाख नौकरी केजरीवाल साहब कह गए जो मैं नाम नहीं लेंदा तो उधर तुम क्यों नहीं आते टी आर पी देखनी है 26 लाख नौकरी की गल कर रहे नवजोत सिंह सिद्धू पहला भी कह के गया वो जड़े किलोवाट वो गल कर रहे नवजोत सिंह सिद्धू समझे दूसरी गल खाली खजाने की गल कर रहे नवजोत सिंह सिद्धू अज का नहीं करता एजेंडा लेके राहुल जी को 2016 की स्पीच सुन लो 2017 स्पीच सुन लो 2015 की स्पीच सुन लो उत्थे ही खड़ा नवजोत सिंह सिद्धू दूजी गल तुसी कहने हो थोड़ी मर्यादा ते मर्यादा 80 साल के बजुर्ग की नहीं होंगी करतारपुर साहब नवजोत सिंह सिद्धू गया करतारपुर का लांघा खुलिया की बोलिया हो इज्जत कराई जाती है साहब खड़ा रहा नवजोत सिंह सिद्धू कला जिंदगी दे विच गुरु ने कोई उन्होंने यह अचीवमेंट दी हो दस है मित्र प्यारे कौन फेस दया करू पंजाब दे लोग हाईकमान या तुसी कोई फेस तय नहीं करता फेस तय करता है पंजाब दा हर बछिंदा फेस तय करता है सुखबुगाहट कार्यकर्ता दी फेस तय करता है पंजाब दा ग्रास रूट लेवल दे उत्ते सत्थां च बैठा बछिंदा फेस वो तय करता है तुसी लागे बह जाने हो फलाना मुख्यमंत्री फलाना ये हर रोज तुसी एक नवे जे मतलब मैं हरेक दी गल नहीं करता एवरीबडी इज नॉट बैड एवरीबडी इज नॉट गुड देर आर दी गुड देर आर दी बैड देर आर दी अगली इन एवरी इंस्टीट्यूशन देर आर पीपल लेकिन असल दे विच वो ये भुल जाते हैं भी लोकतंत्र किसी लीडर का थोड़ा ना है लोकतंत्र लोगों का है छोटे भाई और लोगों की आवाज सुन के ही लोगों की आवाज सुन के ही लोग तय करते हैं भी फलाना लीडर कौन बनूगा तो जे कोई होर जिता हों फिर प्रशांत किशोर
70 बार मेरे को क्यों आता दस ना पिछली बार क्यों भाई जिन्होंने लोग पसंद करते हैं वह लीडर ने तो वह प्रमाण की है छोटे भीर तुम प्रमाण नहीं हो वह प्रमाण है भी इलेक्शन किने जिते है तो कि थां तो भगौड़ा होया तो इलेक्शन क्यों जिता इलेक्शन भी पंजाब के लोग जिता है तो जोड़ा बंदा छे इलेक्शन जितया तेन प्रमाण देने की लड़ नहीं है मित्र प्यारे अगला सवाल कोहली साहब उठ के गल कर सिपर साहब उधर तुम जगपुरी साहब देखो एक सवाल ले लिया हम दूजा मौका दो जगपुरी साहब एक नहीं तुम ले लिया सवाल उधर मौका दो उधर सिपर साहब तुम सवाल ले लिया उधर मौका दो लेने जड़पुरी साहब दो हाँ जी नहीं नहीं मेरा चा ये गलत गल ना करो देखो मैं तो पहले ही कहता मैं अस्तीफा वापस ले लिया हूँ क्यों कहा इस करके कहा कि मैं थोड़े रूबरू हो रहा डिटेल च दस रहा भी यह अस्तीफा देने का कारण क्यों जिदन मैं पहले दिन अस्तीफा लोगों को नहीं पता था उस तो अगले दिन मैं बोलिया 10 मिनट की एक वीडियो पाई डिमांड करता रहा पहली गल दूजी गल तुसी बार बार ये गल्लां करी जाने हो मैं तो अपना ही गरंटी ले सकता ना तो मेरा काम यह है कि मैं एज पार्टी भरोसा करा बाकी ये मेरा भरोसा दिया नहीं ये पंजाब के लोगों का भरोसा है हुण जदों मैं गल खुल के रखती है ये तो गल ये है कि तुसी पंजाब के लोगों की गल मननी है तो भाई तुसी लोगों के जान जोगे हो जे नहीं मनोगे भाई तो तुसी ज़्यादा सियाने बन के देख लो फिर पता लग जू ओके सर मेरी एक एक रिक्वेस्ट है सारा के संखेप सवाल रखिए देखो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करनी पैनी है फिर आप सवाल छड़ के चले गए आप एक सवाल लो एक तो बाद ना लो ताकि सारा नु मौका मिले प्लीज हाँ जी जी कार्यशैली की गल की है छोटे भाई कार्यशैली करके लिया वो मैं लाया तू लाया किने लाया आप ही हसी फिर मेरी गल सुन मैं मेरी गल सुनना तेन सवाल ही नहीं पूछना आ रहा छोटे भाई मतलब फिर तुम मैं कह रहे हो कैप्टन कैप्टन साहब मैं कौन भाई भरोसा मैं थोड़ा ना भरोसा 70 MLA नहीं भरोसा किसी भी नहीं ते गुरु मेरी गल सुन इतने जुडिशरी कितने कहती है भी लिफाफा स्टेट का बनाया हुआ खोले ना वो सुनना फैसला किने सुनाया मैं तो बहस लो बहस नहीं बहस ना करो बस यार भाई एक गल कहनी के भाई जेड़े बंद लिफाफे खोल दो ये फैसला सुना था हाँ जी सर गल की बोली है ना अगे चलो अगे इधर करो हाई कमांड तो 18-31 प्रोग्राम नहीं फिरती है भी पहल के आधार के उत्ते प्रायोरिटी फिक्स करी फिरती है हाई कमांड तो कहती है भी प्रायोरिटी ये दो मुद्दे ने इन्हों पहल के आधार के उत्ते हल करो तो हूँ तो अगे सवारी अपने समान की आप जिम्मेवार है जिन्हें नहीं किए लै गया कोहली साहब सारा दे सवाल है सारा दे लवांगे कंचन जी तुहाडे वल मैं माइक कर रहा एक मिनट कोहली साहब मेरे दो सवाल ने माफ करना भरा जी संखेप जी आप दो सवाल ने जरूर थोड़े जे हट के होंगे जरूर सर पहला सवाल ये जो तुम करतारपुर साहब लांगे दी गल
जी जी जवाब दे रहा जवाब यही काफी है। पहला तो भाजी तुसी ये सवाल किया भी तुहाडे कोल की है जा वो है भाई साहब बंदे दे हाथ है कि कर्म करना। जदों बादल साहब गए सी भेडू ले आए सी कहजा कर्म किया देखा 21 लाख भरे भेडुआ की ब्रीडिंग की थी। ते जदों कैप्टन साहब गए सी सुल्तान घोड़ा लिया सी ते उहदे ते किहनू चढ़ा के लिया सी मैं दसणा नहीं समझा नहीं। ते सिद्धू एक दिन लई गया सी ते बाबे ने मैसेंजर बना के भेजिया सी मैं बाबे का डाकिया सी बाबे का कूकर कहा मैं अपने आप नूं क्योंकि कूकर वफा करता है समझा ने। उत्थे इक्को गल कही मेरी मैं मुकी फिर तू ही तू करतारपुर साहब जदों लंगर छकिया उदों भी रोंदा रहा क्योंकि वह भाव जागदा सी। ते मैं कदे एक बार भी भाजी ये कहा होवे कि इहदे च मेरा योगदान है मैं हमेशा कहा कि गुरु की कृपा है ये नानक नाम लेवा सिखां दीआं दुआवां ने मेरे ताए वर्गे करोड़ां लोकां दीआं दुआवां ने मेरा ताया मिट्टी नूं चुम के रोण लग जांदा सी। उहदी आखरी जिंदगी जिहड़ी है 10 साल गुरुद्वारियां च गुजरी उहदी डैथ भी गुरुद्वारे च हुई मेरे फादर लॉ दी डैथ डेरा ब्यास च हुई। मेरा फादर गुरसिख सी मेरा दादे नूं गुरु ग्रंथ साहिब कंठस्थ सी। इस करके इहो जे करोड़ां लोग ने साहब जिन्हां दी आस्था जुड़ी हुई है जिहड़े दुआ करदे आ जिहड़े अरदासां करदे आ उहनां दी अरदास कबूल होई। सिद्धू दा इक छोटा जिहा डाकिया सी भाई जिहनूं बाबे ने मान बख्शता भी जा मेरा सुनेहा लाया ते मैं की किया इट्स अ कोरिडोर ऑफ इनफिनिट पॉसिबिलिटीज ये कोरिडोर इनफिनिट पॉसिबिलिटीज का कोरिडोर है ये साड़ी खुशहाली का द्वार है। हुण कौन इहनूं इहदे ते राजनीति करदा कौन नहीं इहदा फैसला मैं तुहाडे ते छड्दा। अगला सवाल चलो फटाफट जल्दी इधर इधर दोबारा नहीं कोली साहब एक मिनट इधरों बहुत देर से अगला सवाल देर से वेट कर रहे हैं एक मिनट इधर करो। हाँ जी एक मिनट आ हाँ जी हाँ जी माई जी भाई जी अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल हाँ जी आ जाने आ जाने आ जाने सुनता लो आखिरी सवाल नहीं नहीं और सवाल करा हाँ जी वेखो पंजाब सरकार दे नाल इस मसले दे उत्ते बहुत गल्लां होईयां कोई ये नहीं है भी मीडिया दे थ्रू गल्लां करन वालियां ने। साडे जनरल सैकटरी साहब बहुत सूझवान उन्हां कोल सर्वे जांदे ने उन्हां ने भी गल कीती है और मैं अपनी गल नूं बड़े ईमान दे नाल रखिया कि अज साडा टैक्स सब तो ज़्यादा है क्यों क्योंकि कर्जा ज़्यादा इस करके ये जिहड़ा टैक्स है ये टैक्स जिहड़ा हैगा ये सब तो घट होना चाहिए ये विचार वटांदरा होया और महंगाई करके अज 4 सीटां हारी है ताहीं 10 रुपये थले आए ना। इस करके मैं ये भी कहिंदा रहा कि 5 लाख करोड़ का जिहड़ा कर्जा है 5 क्यों क्योंकि सॉफ्ट लोन्स ने सॉफ्ट लोन मतलब बिल्डिंगा गिरवी पईआं ने म्युनिसिपैलिटियां गिरवी पईआं ने गैसट हाउस गिरवी पए ने और वो क्यों क्योंकि लोगों को यह लगता है भी ये सरकार के उत्ते कर्जा लोगों को गलतफहमी ना रहे इस करके मैं लोगों को अवेयर करदा और मैं ये लोगों को बार बार कहना कि ये टैक्स तुसी चुका रहे हो टोल दे के इनडायरेक्ट टैक्सिस दे के ये तुसी चुरा रहे हो जी ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ
छोटे भाई पार्टी के फैसले और सीएम अगर कहता है सीएम अगर कहता है कि भाई ये हो असी विचार करांगे और जो सहमति बनूगी वो करांगे इतों मीडिया के थ्रू थोड़ा दसांगे गल की है। कंचन जी एक मिनट मैडम उतर कंचन जी सवाल पूछो कंचन जी सवाल करो मैडम एक मिनट आ रहे हैं कंचन जी सवाल कंचन जी बस करिए एक सवाल कंचन जी मैडम कंचन जी सवाल तो करो Not at all. When I say ke, no, not at all. Don't put words in my mouth, Kanchan madam. You are very sharp on that. I have told you that I have praised them. It's a small, dekho, it's a small time frame. I have praised them on the bijli issue. There are so many other things. And I've clarified on him also that if I've said lollipops, it was Kejriwal that I was referring to. I never take any names. I do not. Ye naam lehen di pratha hor bade bande lollipop dende hai. 26 lakh naukri de deyenge, thonu aap phalada kar deyenge, tamkana kar deyenge. Ye matlab kise de utte paadni gal, galt gal hai. Dusri gal, I am not angry with anyone. I just raise issues. I raise the voice of the people of Punjab. And when you talk of percentages, you are better in maths than me. एक एक करके सर बार बार ना बार एक एक सवाल लुक जस्टिस हैज टू बी डिलीवर्ड बाय द कोर्ट्स बट द कोर्ट्स हैव टू बी फैसिलिटेटेड विद एविडेंस विद इन्वेस्टिगेशंस कोर्टा नू जब तक तुसी इन्वेस्टिगेशन चंगी करके नहीं दोगे चंगे वकील नहीं खड़े करोगे तो चंगा केस पेश ही नहीं करोगे तो कोर्ट की करेंगे। सवाल तो यह है कि भाई जी इन्वेस्टिगेशन है तुसी छे छे बार करके उन्हें कमजोर करता तुसी चार्जशीट नहीं फ्रेम की इन्ने साल तुसी तंत्र सिद्धा बनातियां तुसी कमीशन बनाते तो एक्शन तुसी लेंदे नहीं। आर यू डिली डैलिंग और डू यू हैव द पॉलिटिकल मोटिव अभ्यास ना करो डिबेट ना करो सर एक सवाल हो ओनली वन क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जरा आप फिर किसी वे मिला पांच हो गए यार थोड़ा बार बार आ रहा है उम्मीद है बैट के उत्ते तुसी पूछ रहे हो उम्मीद है उम्मीद है कि पंजाब सरकार ये चंगा फैसला लेगी और कैबिनेट के डिसीजन ने ऑर्गेनाइजेशन इंटरफेयर नहीं करती। मैं कदे नहीं गया ना मैं कदे कैबिनेट के राजमीत कोई खाली ना जाए कैप्टन सरकार क्यों कौन किने क्या था रास्ता सिद्धू साहब का एक काम है और मैं डंके की चोट के उत्ते कह के उठूंगा। सिद्धू साहब का एक काम है भी पंजाब कांग्रेस 80 तो 100 सीटा जिताऊंगा।